तो भैया अब हम पहुंच चुके हैं बगवाल खेलने के लिए सिरोली में। ठीक है, ये है मुक्की भाई और उधर दीपू भाई भी पहुंच चुके हैं हल्द्वानी से। हेलो, जहाँ भीड़ हुई भिजाम खड़े खड़े जाना, लोग देखो सब खड़े खड़े हैं गाड़ी में, बहुत ज़्यादा भीड़ जा दिवाली खंड ना, लोग घर जाना हो लगे पता बगवाल मनाना। आप लोग भी आना चाहो तो ऐसा तो मम्मा जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बोला दिन बीच आप लोग भी आ जाओ, हमारे भैला भी बनानी छिल्ला छिल्ला भी धरना है हमारा सुगान। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत बहुत प्यार। तो अभी हम लोग हैं काशीपुर में और ये है मॉर्निंग का टाइम। शिवी सो रखा है अभी आराम से, इसको मैं बड़ी देर से उठा रहा हूँ लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर ये इसी तरह से सोता रहा तो हमें जाने में हो जाएगी लेट। शिव तो आज मैं और शिवी जा रहे हैं गांव। तो अब उठ गए हैं महाराज जी, बड़ी मुश्किल से इसको जो है प्लानिंग से जो है कैप्चर कर रखा मैंने, नहीं तो ये बोल रहा था कि मैं मम्मी और पापा लोगों के साथ नानी के गांव जा रहा हूँ, लेकिन अब वो रेडी है मेरे साथ आने के लिए। तो चलिए करते हैं अब आगे की तैयारी। काशीपुर में तो मौसम अभी ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है गांव में ठंडा होगा, इसलिए जैकेट वैकेट सारी रखनी पड़ेंगी। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन आप तो पकड़ा गए। चल उतारना जैकेट, उतार मेरी, क्यों पहन रखी है, जल्दी उतार। तो ये है हमारा किचन, यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी। वाओ मनु, तूने गूठा आटा, तूने गूठा सही गूठा, काय की सब्जी बन रही है, आलू गोभी शिमला मिर्च, सही है सही है। हेलो मन्नू, गुड मॉर्निंग। तो आपकी सेवाएं हमें लगातार मिल रही हैं, आप हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप हमारे साथ गांव चलेंगे? नहीं नहीं। तो मन्नू जा रही है नानी के गांव और हम जा रहे हैं शिवी के दादी के गांव। नाइस। चप्पल नहीं ले जानी वहाँ, शूज ले जा, ठंडा है गाँव में और क्या, ठंडा है वहाँ। शूज दो इसके, शूज, चप्पल नहीं, चप्पल से क्या करेगा वहाँ। और हमारे घर में मम्मी जो रोटी बनाती है, मेरी माँ जी गाँव में, वो सबसे बेहतरीन होती है और दूसरे नंबर पे है मन्नू। ठीक है मन्नू, तो तेरा दादी के साथ कंपटीशन है, ठीक है ना। तो दादी तो फर्स्ट में ही रहेगी ऑलवेज, मन्नू सेकंड में। और पंडित जी आप भी आओगे कहीं फर्स्ट। हाँ तो बंदूक के रिवॉल्वर चलाता रहे तू, बस ये क्या है, इतनी सब्जी खाएगा तू बस, क्यों मेरे लिए इतनी सारी रखी है। रोटी कितनी है, एक दो, दो रोटी खा देगा तू सुबह सुबह, चल फटाफट खा, रास्ते में मत मांग दियो खाना, ठीक है भैया। है शंकरपुर में खाएंगे या तो मर्च लगा के छोले खिलाएंगे तुझे, शंकरपुर में खिलाऊंगा तुझे मर्च लगा के छोले। तो अब मैं और शिवी हो चुके हैं रेडी, बाकी फैमिली मेम्बर सारे घर में हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर स्टेडियम तक भैया आएंगे हमें छोड़ने के लिए स्कूटी या बाइक में। चल भाई पंडित टांग ले फटाफट, भारी है क्या, भारी लग रहा मुझे। ठीक है मन्नू, ठीक से भी जी, हाँ भाई। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम चौराहे में और ये है रामनगर वाली रोड और इधर दिल्ली और यहाँ से मिलेगी हमें बस रामनगर के लिए। हम लोगों को यहाँ पर लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन हमें एक भी रोडवेज नहीं मिल रही है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है रामनगर तक पहुँचने में, तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती हो रही है। तो अब देखते हैं
क्या होता है। यहाँ पर बेकार लग रहा है पिछले एक घंटे से, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ, फर्स्ट टाइम। मुझे लग रहा है दीपावली की वजह से जो है रोडवेज की बसें कम ही चल रही हैं इस रूट पर। 9:15 बजे से और 10:30 बजे तक हम रोडवेज का इंतज़ार करते रहे, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी हमें एक भी रोडवेज नहीं मिली रामनगर जाने के लिए। और फिर मजबूरीवश भैया को हमें छोड़ने आना पड़ा रामनगर तक। तो उसके बाद फिर हम तीनों के तीनों लोग स्कूटी में बैठ करके और रामनगर के लिए निकल पड़े। पहाड़ में जाने के लिए बस की छत में सामान को लोड किया जा रहा है और ये सामान लोड करना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो अब हम रामनगर पहुंच चुके हैं और ये है डाक गाड़ी, बैजरो डाक। तो शिवी अंदर बैठा है और उसके लिए कुछ स्वीट्स और कुरकुरे चिप्स लेकर के मैं फिर बैठ रहा हूँ बस में। और अब हम यहाँ से करेंगे जर्नी पहाड़ की हसीन वादियों की। तो चलिए आप भी मेरे साथ। ये पूरा एरिया जिम कार्बेट पार्क का है और अभी हम लगभग 40 किलोमीटर तक इसी पार्क के अंदर से होते हुए पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं डिकुली के आसपास और डिकुली में काफ़ी बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं और टूरिस्ट यहाँ पर रुकने के लिए आते हैं। और दीपावली के टाइम पे तो पूरे होटल और रेस्टोरेंट फुल हो रखे हैं, इस समय बुकिंग फुल। तो आप देख सकते हैं जिम कार्बेट पार्क का एंट्री पॉइंट भी इधर से ही है, तो इस वजह से साल भर यहाँ पर पर्यटकों का और दर्शकों का आना जाना लगा रहता है लगातार। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट बने हुए हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में उनके नाम रखे हैं, किसी ने जापानीज में, किसी ने फ्रेंच में, किसी ने पोर्चुगीज में, किसी ने अंग्रेजी में। तो इस तरह से हिंदी नाम तो आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम। तो अब हम पहुंच चुके हैं गर्जिया मंदिर में और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बसों में बैठे हुए या अपने यात्री वाहनों में बैठे हुए हैं वे यहाँ पर माँ गिरिजा देवी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये नेशनल हाईवे 309 पर ये मंदिर बना हुआ है और जो मुख्य मंदिर है वो कोसी नदी की बीच धारा में बना हुआ है और कुछ दिन पहले वहाँ पर बाढ़ के कारण कुछ नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब फिर से दर्शक और श्रद्धालुगण मंदिर में आने लगे हैं। अब गाड़ी पहुंच चुकी है मरचुला में और यहां पर हम करेंगे दोपहर का लंच और उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू। तो सिब्बी तो बहुत एक्साइटेड है छोले खाने के लिए, क्योंकि इस रूट पे जो है मरचुला और जड़ाऊ खान के छोले ही फेमस हैं। तो चलिए चलते हैं अब रेस्टोरेंट में। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खा रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ से शंकरपुर होते हुए हम पहुँचेंगे धुमाकोट।
तो ये आप देख सकते हैं मरचुला से रामगंगा नदी का एक बेहतरीन व्यू, और कल कल करती हुई नदी लगातार आगे को बढ़ रही है, और प्राकृतिक और सुंदर नैसर्गिक वातावरण। तो इस समय हम हैं मरचुला में, और मरचुला से धुमाकोट की दूरी है 36 किलोमीटर, थलीसण 102 किलोमीटर और पौड़ी 206 किलोमीटर। तो मरचुला से जो है एक रोड चली जाती है गढ़वाल रीजन के लिए, और एक जाती है कुमाऊँ रीजन के लिए, और वहाँ पर एक बोर्ड लगा है तो उस पर लिख रखा है मानिला जो है यहाँ से 46 किलोमीटर, इक्कू खेत है 53 किलोमीटर और भिक्यासैन है 70 किलोमीटर। तो ये भी काफ़ी अच्छी रोड है, और यहाँ से पूरा पहाड़ी रीजन शुरू हो जाता है। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और पूरी बस जो है खचाखच भरी हुई है, आप देख सकते हैं। बीजान भीड़ हुई, बीजान बीजान खड़े खड़े जाना, लोग देखो सब खड़े खड़े हैं गाड़ी में, बहुत ज्यादा भीड़ जा दिवाली खंड ना, लोग घर जाना वाला के पता भगवान मनाना। तो अब हम लोग चल रहे हैं धुमाकोट से और बैजरो की ओर। यह है छोटी दीबा, और छोटी दीबा का मंदिर जो है वो है ठीक सामने ऊपर। धन्यवाद, मिल ला फिर जल्दी। भाई भाई। तो भैया अब हम पहुंच चुके हैं बगवाल खेलने के लिए सिरोली में, ठीक है। ये है मुक्की भाई, और उधर दीपू भाई भी पहुंच चुके हैं हल्द्वानी से। हेलो, तो आप लोग ब्याहना चाहो तो आज तो मम्मा बोला जल्दी जल्दी बोला दिन बीच आप लोग ब्याह जाओ, हमारे भैला भी बनानी छिल्ला छिल्ला भी धरिया से हमारा सुगान, ठीक है ना। तो बोल खेलने हमारे भैला तो जरूर आ जाए भैया, खितोटे गाँव का जत का भी छी अगर ये ब्लॉग तो देखना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लॉग तो कल शाम को रिलीज होगा, ठीक है ना। तो इस ब्लॉग को ला रखा हूं भाई, ये पटाखे फुल पटाखे हैं इसमें भैया, पूरा भर रखा है। तो इस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, कल फिर बाजार आएंगे हम, कल फिर हम अपने लोकल मार्केट आएंगे मैठानगढ़, तो फिर मिलेंगे आपसे। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।